दिस इज पुनीत एंड यू वॉचिंग पीआर व्लॉग। तो भाई टाइम होगा सुबह के 6 बजे है और डे है 22 मई संडे। तो संडे राइड कर रहे हैं, बहुत टाइम के बाद संडे राइड हो रही है, ऑलमोस्ट 1.5 महीने के बाद हो रही है। और संडे राइड मेरे ख्याल से हिमालयन जब से लिए ना हमने, फर्स्ट संडे राइड होगी जहाँ तक मेरा आइडिया। तो आज एक नई जगह पे जा रहे हैं, नया व्लॉग होने वाला है तो एंड तक जरूर देखना। मैं रेडी हूँ, अब वेट करो मुकुल की और यश के आने की, एक बार ये दोनों आ जाएं और फिर यहाँ से निकलेंगे सीधा अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो एकदम नई जगह है मेरे लिए भी, मैं भी नहीं पहले वहाँ पे गया, तो एक बार जरूर देखना और बताना कैसी लगी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में। तो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज पुनीत एंड यू वॉचिंग पीआर व्लॉग्स। और ये बस सामने से भाई ऊपर चढ़ते हुए आ गई है। सो आज की राइड स्टार्ट कर दिया हमने, संडे राइड है 22 मई 2022। तो सामने बच्चे बैट बॉल खेल रहे हैं और हम अपना खेल खेलने जा रहे हैं। तो काफ़ी टाइम बाद बाइक राइड हुई है, टैंक बैग ले लिया, इसी के अंदर सारा सामान डाल दिया हमने। सो पीछे पीछे मेरे आ रहे हैं भाई यश और मामा, और साथ में है मुकुल। तो मामा और यश आज एक ही बाइक पर राइड कर रहे हैं और मुकुल अपनी बाइक पे एज यूजुअल। और फिलहाल हम जा रहे हैं नोएडा की तरफ, तो वहाँ से लेंगे D&D और फिर जाएंगे आज एक नई जगह पे ब्रेकफास्ट करने। और लेट इसलिए हो गए हैं, 6:40 हो गए हैं यार, ज़्यादा ही लेट हो गए हैं। सो लेट इसलिए हो गए क्योंकि भाई यश आया नहीं था अभी तक, मैं काफ़ी देर से नीचे खड़ा था, 15-20 मिनट मैंने वेट करी इन दोनों जनों की, यश की भी और मुकुल की भी। तो जैसे अभी आ गए हैं और हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। और वैसे भी कोई ख़ास जल्दी नहीं थी आज जाने की, क्योंकि जहाँ जाना है ना वहाँ पे लेट ही खुलता है, ऑलमोस्ट 8 बजे के आसपास खुलते हैं सारे रेस्टोरेंट ढाबा वगैरह जो भी है। तो वीकेंड पे 8 बजे खुलते हैं और वीकडेज पे खुलते हैं 10 बजे। कैन यू बिलीव दैट, वीकडेज पे 10 बजे ढाबा खुलता है यार वहाँ पे दिल्ली के अंदर रह के। और संडे भी ये स्पेशल बाइकर्स के लिए ही खुलता है 8 बजे, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली 99% बाइकर्स ही जाते हैं और बहुत अच्छी जगह है। तो आज चलते हैं, देखते हैं कैसी है, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी ये जगह। और बड़े ही ध्यान से यहाँ पे देखना पड़ता है यार, क्योंकि ये लेफ़्ट का कट है ना, तो लोगों को पता नहीं चलता, बिल्कुल पास आके बोर्ड पढ़ते हैं और फिर एकदम से लेफ़्ट मोड़ देते हैं। और मैंने घर पर शीशा सेट करा था पहले एंगल देखने के लिए कैमरा का। और ये आ गया भाई मुकुल, आ गया अपना नया हेलमेट चमकाते हुए जोकर वाला, ये मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी। और ये यश जा रहा और ये रेड लाइट पे हमें रुकना पड़ गया भाई साहब। और ये आ गया मुकुल बना दे। तो ले तो अभी रेड लाइट पे रुके भाई, एक बार ग्रीन हो जाए, 46 सेकंड्स रहते हैं तो उसके बाद ही आगे निकलेंगे, क्योंकि नो रूल ब्रेक्स फॉर आवर ओन सेफ्टी, और सामने वाले की भी होती है उसमें सेफ्टी, तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं थोड़ा सा। और ये लाइट पता नहीं क्यों आ रही है, अब एक बार चेक करते हैं इसका भी। नहीं गई, तो इसको वापसी आकर देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें और फिर इसका भी सोल्यूशन करेंगे कोई ना कोई। सो यहाँ पे हमने छोटा सा मजाक करा मुकुल के साथ, वो राइट साइड से आ गया था, हम लेफ्ट साइड से, क्योंकि बड़ी तेज़ी में जा रहा था ये, तो देखना चाहते थे कहाँ तक जाता है। तो बेचारा पीछे देखा कि कोई आ नहीं रहा और यहाँ पर साइड पर रुक गया। हेलो जोकर। तो भाई अभी हम पहुंचने वाले हैं अक्षरधाम के सामने, बहुत अच्छा लग रहा है भाई आज संडे राइड करिए इतने टाइम बाद। और सबसे अच्छी बात यह है कि भगवान मेहरबान आज पूरा, मौसम बहुत अच्छा है अभी, जबकि सनराइज़ हो चुका है लेकिन फिर भी मौसम अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यही है
ये गर्मी नहीं लग रही जैकेट्स के अंदर। वैसे तो जब तक चलती रहती है बाइक गर्मी लगती नहीं, लेकिन वैसे भी आज थोड़ी गर्मी कम है, टेम्परेचर कम है दिल्ली का, क्योंकि कल जो बारिश हुई है ना थोड़ी सी, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे थोड़ी, हमारे एरिया में थोड़ी कम हुई है, तो उसकी कंप्लेन है एक। और यहाँ पे एक ग्रुप खड़ा हुआ है बाइकर्स का, तो ये भी एक मीटिंग पॉइंट है अक्षरधाम के सामने। अब भाई हम फाइनली डीएनडी पे आ चुके हैं, या फिर कह लो डीएनडी की तरफ ही जा रहे हैं, डीएनडी वाले रोड है। तो अब ना थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग गई है, तो देखते हैं अभी रुकेंगे साइड पे डायरेक्शन इनपुट करने के लिए गूगल मैप में, तो थोड़ी सी चॉकलेट वगैरह कुछ खाता हूँ। सो मेन डीएनडी हाईवे पे आने से पहले रुके थे हम, एक तो डालिए डायरेक्शन जहाँ पर जाना है वहाँ के लिए, और दूसरा हमने भाई फ़ोटोशूट करवाना था मुकुल का एक छोटा सा, क्योंकि मुकुल ने नया हेलमेट लिया तो हेलमेट के साथ इसने फ़ोटोज़ क्लिक करनी थी अपनी जोकर वाली, और उसके बाद चल दिए अब आगे। और इन बिटवीन टाइम का यूटिलाइजेशन करते हुए मैंने अपनी चॉकलेट भी खा ली, क्योंकि यहाँ से अभी 20-22 किलोमीटर है डेस्टिनेशन और भूख लग रही थी। कैमरा सेट कर लिया भाई, लेकिन सेट करने के बाद ध्यान में आया कि मेरे पीछे तो सन है और वीडियो इतनी क्लियर आएगी नहीं, लेकिन कर लिया, अब जैसी भी आएगी देखी जाएगी। क्लियर आई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो कोई बात नहीं, लेकिन एक व्यू ले लिया, शायद आ जाए अच्छा, क्योंकि मेरी वीडियो कैसे बनेगी भाई। मैं नई फीचर होता अपनी वीडियोस में, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है ये। सो फिलहाल हम डीएनडी पे हैं और यहाँ से यश लीड कर रहा है, और यश ने लीड करने के लिए आगे लगाया हुआ है अपने माउंट पे फ़ोन, और गूगल मैप को फॉलो करते हुए जाएंगे। भाभी जी जो जो रास्ता बताएंगी वहीं में ही जाएंगे। अब भाभी जी इसलिए भाई यश छड़ा है और गूगल के सहारे ही जाता है जहाँ भी जाता है, तो भाभी जी नाम रखा हुआ गूगल का हमने, और बहुत सारे इंडियंस ने भी यही अलग अलग नाम रखे हुए हैं। इस नाम से गूगल आंटी को बुलाते हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और देखते हैं क्या क्या नाम रखे हुए इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आप लोगों ने। और ये कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे आश्रम रोड के लिए आई थी, और हम भी यहीं पे जा रहे हैं। भाई साहब ट्रैफिक मिलने वाला है आई थिंक, या नहीं नहीं। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है दिल्ली के अंदर कि जितनी भी बसेज हैं ना सारी लेफ्ट लाइन में चलेंगी, अपनी लेन में चलेंगी बिल्कुल, और अगर लेन से बाहर देखे गए या पकड़े गए तो इनका चालान कट सकता है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि बाइकर्स जो है ना इन सभी रूल से मुक्त हैं। और यार ये चेक इंजन की लाइट नहीं जा रही, पता नहीं अब क्या दिक्कत आ गई इसके अंदर, मैंने तो 2 हफ्ते से चलाई भी नहीं, और जब खड़ी करी थी एकदम सही थी मेरी बाइक। ठीक है साथ साथ भाई साहब अंडर पास से बाहर निकलते ही सूरज देवता की मेहरबानी चमक रही है, तसल्ली से गर्मी लग रही है क्योंकि आगे से तो हवा आ रही है लेकिन पीछे नहीं जा रही है, तो पीठ पे अच्छे से पता चल रहा है गर्मी का। और भाई सामने है दो दो स्पोर्ट्स कार्स, और तीन आई थिंक, दो नहीं तीन है भाई ये तीन। सो एक तो है 91 करेरा, दूसरी जैगवार की है, और जो आगे निकली है वो पता नहीं कौन सी है, लैम्बोर्गिनी है भाई वो लैम्बोर्गिनी, तो बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ है इनकी। संडे राइड्स विद सुपर कास्ट, तो बहुत ही मज़ेदार हो गया ये।
कार्स को चेस नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक जा सकते हैं जाएंगे, ताकि थोड़ा सा व्यू अच्छा मिल जाए आप लोगों के लिए। और अब देखते हैं यश भाई कहाँ से लेके जाता है। जहाँ तक मेरा आइडिया है सीधा जाएंगे। नहीं, लेफ्ट का टर्न है यहाँ से, तो यहाँ से होंगे हम लेफ्ट और कार चली जाएंगी सीधा। सो भाई काफ़ी मतलब एक्साइटेड सा हो गया ये एकदम से ब्लॉग, तो बहुत मज़ा आया रोड पे बाइक कार्स वगैरह देखते हुए। और जो ये साउंड है ना, ये या तो एक ट्रू कार लवर जानता है या ट्रू बाइक लवर जानता है। इस साउंड जो है ना, इसकी अपनी एक अलग खुशी और पहचान है भाई। बहुत ही बढ़िया और अल्टीमेट साउंड लगता है ये। तो भाई हम पहुँचे हैं कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया। सो अंदर आते ही ना यहाँ पे भाई परांठों की फ्रेगरेंस आनी शुरू हो गई है। जैसे वो घी में रोस्ट करते हैं ना जब परांठा, तो उसकी फ्रेगरेंस आती है घर में, तो वो आनी शुरू हो गई है एकदम से। और अब चलते हैं आराम से, खाते हैं परांठे शरांठे, जाके देखते हैं कौन कौन सा रेस्टोरेंट खुला हुआ अभी। और भाई साहब बाइक्स भी तो दिखानी है, खाली परांठे नहीं खाने हैं, बाइक्स भी दिखानी है आप लोगों को। तो बाइक्स की भी देखते हैं, जहाँ पर बाइक्स दिखेंगी वहीं पर ब्रेक मार लेंगे। नहीं दिखी तो परांठे तो खाएंगे खाएंगे फॉर श्योर, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि बाइक्स ना दिखी हमें, क्योंकि बाइक्स का दिखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा हो गया आई थिंक बाइक्स नहीं हैं यहाँ पे अभी तक, खाली रॉयल इनफील्ड ही है। सो भाई पीछे एक रेस्टोरेंट है, वहीं पर जा रहे हैं खाने के लिए। बाइक्स लगाते हैं पहले वहाँ पे और फिर खाना खाने चलते हैं, कहीं साइड पे लगाते हैं बाइक्स, साफ सी सुंदर सी बढ़िया सी जगह देख के। तो ये Z900 आई है और एक हायाबुसा भी आ गई। जैसा कि मैंने कहा था कि सुपर बाइक्स आती है यहाँ पे, तो आनी स्टार्ट हो गई हैं। कहाँ लगानी है? आगे लगा दे आगे। अरे गेट है यार, ये हटानी पड़ेगी फिर। तो बाइक्स लगा दी यहाँ पे पार्किंग में भाई, आराम से बढ़िया से करके एकदम सेफली पेड़ के नीचे छाँव में। और यश का दिमाग देखो भाई, ये बंदा लगाता है रिवर्स करके ताकि निकालने में दिक्कत ना हो। सो कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया हम लोग पहुँच चुके हैं, और स्माइल देख लो मेरी बड़ी सी आ गई यश की शक्ल देख के। यश भाई एक डेढ़ महीने बाद यश के साथ राइड कर रहा हूँ मैं, तो मुकुल भी साथ में, और मामा देख लो एकदम ना, मामा कते लोंडा हो रहे हैं, देख लो दाढ़ी मामा की। मामा का नया चैनल आ रहा है, किस नाम जा रहा है? बीएड मामा फ्रॉम पाकिस्तान। तो मजाक वजाक चल रहा है यहाँ पे थोड़ा बहुत, और अब चल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। और भैया आ गया पार्किंग वाले, पर्ची काट रहे हैं हमारी, सुबह सुबह पहले ये काटेंगे, फिर हम आगे जाके वहाँ पे कटवाएंगे। और अब चलते हैं क्योंकि हाउसफुल होने वाला है। डोन एंड कैरी रेस्टोरेंट का नाम है जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए क्योंकि लेट होते जा रहे हैं हम अपनी बातों के चक्कर में, और मजाक चलता रहता है हमारा नॉन स्टॉप। तो वहाँ चलते हैं सीधा और ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते हैं पहले, फिर बाकी की बातें करते हैं आगे चल के। पीछे आ गया भाई स्पोर्ट्स बाइक, और जाने से पहले होपफुली बाइक्स भी मिल जाएंगी और साउंड भी मिल जाएगा आप लोगों के लिए, जैसे आपको कार्स का दिखाया है। और भाई कार्स का देख के कैसे मज़ा आया? बहुत मज़ा आया भाई साहब, यहाँ पे आके हमारे दिल टूट गए थे। नीचे करके दिखाओ,
नीचे करके दिया। ये जो यूट्यूबर्स को जो दी जाती है ना फैसिलिटीज, उनको खाना दिया जाता है हमें बाद में देते हैं, ये बात गलत है। ये मेरा खाना पहले आ गया, एक्चुअली मैंने ऑमलेट ऑर्डर करा था, ऑमलेट जल्दी बन जाता है भाई। हम तो खाते नहीं, हमें कैसे पता लगेगा? तुम खाते नहीं, तुम्हें कैसे पता चलेगा? तो ऑमलेट जल्दी बन जाता है इसलिए मेरा जल्दी आ गया। और इनके पनीर परांठे हैं तो पहले पनीर बनेगा। आगे इनके परांठे भी भाई साहब उखड़ो गए, पराठे वराठे आ गए, पनीर आ गया इनका, जल्दी से खाएंगे, बटर शटर लगा के आया। तो इस बार भाई चोपटा वाली राइड पे ना सबने पूछा कि भाई व्लॉग में यश भाई नहीं दिखे, तो ये रहे यश भाई। यश भाई बहुत ज्यादा बिजी थे, मुझे लेके नहीं गए, झूठ बोल रहे हैं भाई साहब, ये इन्होंने मना कर दिया तो तू साथ में नहीं जाएगा। बाबा मेरी सब्सक्राइबर कह रहे हैं पुनीत और यश बहुत जगह घूमते रहते हैं, और मेरी बीवी मुझे ऐसे कह रही थी। नहीं नहीं, तो यश बिजी था अपने कंपनी के कुछ काम में, और इस महीना भी है भाई साहब बाहर ही थे, आउट ऑफ दिल्ली। तो अब ये आए हैं तो हमने संडे राइड प्लान करी है किसके साथ। एक महीने से कोई भी राइड इसलिए नहीं हुई क्योंकि गर्मी भी थी और यश के पास टाइम नहीं था, और अब यश आ गया तो इसको हम जंगलों में ले आए हैं टाइम स्पेंड करने। संजय वन में आ गए और ये आ गए मुकुल की ऐसी नहीं बंद हो रही। सो अभी हम आए हुए थे संजय वन, और भाई काफी दूर तक जाने के बाद ना हिम्मत ने साथ देना बंद कर दिया, गर्मी बहुत है। तो अब वापस जा रहे हैं, जैकेट्स वगैरह उठाई है अपनी भी और यश की भी, यश के पास मेरा बैग और हेलमेट है। तो अब जा रहे आगे, और ये रहे सब कहाँ है बैग, वो रहा मामा के पास चला गया सारा सामान, बैग इसने टांगा हुआ है, बैग तो मेरे पास ही है, सॉरी। सो अब जा रहे हैं वापस बाइक्स के पास क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, और घर भी जाना है अभी, और ट्रैफिक मिलेगा, संडे है लेकिन ट्रैफिक मिलेगा। अब जाते हो वापस क्योंकि लास्ट टाइम भी संडे हम वापस जब गए थे गुड़गांव की साइड से तो बहुत ट्रैफिक मिला था, तो अब यहाँ से देखते हैं कितना मिलता है, लेकिन मिलेगा जितना भी मिलेगा। तो अब चल रहे हैं। सो एज यूजुअल बहुत सारी रील्स बनाने के बाद और फोटोशूट करने के बाद हम वापस निकल चुके हैं यहाँ से, और टाइम हुआ है 9:56, लेट हो गए हैं थोड़ा सा, और अब वापस जा रहे हैं हम घर की तरफ। अभी अभी निकले हैं यहाँ से, और मुकुल भाई हमारा सीधा चला जाएगा ऑफिस, और अब हम वापसी का रास्ता देखते हैं कैसा रहता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई और ट्रैफिक ना ही मिले तो अच्छा है, नहीं तो बैंड बज जाएगी हमारी। और अब यहाँ से अभी तक तो सामने तो क्लियर ही दिख रहा है ट्रैफिक, बिल्कुल सुनसान रोड है, एक आध गाड़ी जा रही है बस। तो यश लीड पे वापसी, और भाई सबसे अच्छी बात यही है चेक इंजन की लाइट चली गई है, तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। और अभी फ्यूल भी काफ़ी है इसमें तो डलवाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, महीना हो गया वैसे इसको फ्यूल अप कराए हुए, और एक कॉल आ गया ज़रा। सो भाई साहब घर से फ़ोन आया है कि क्यारा ने कहीं जाना था काम से, और जैविक ने कर दिया मना कि मैंने नहीं जाना आपके साथ, मैं पापा के पास रुकूंगा, और कुछ उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसकी सारी अभी जिद्दबाजी जो भी कर रहा है सारी मानी जा रही है। और अब घर थोड़ा ज़्यादा जल्दी जाना पड़ेगा, और घर जाके टेक केयर करनी पड़ेगी जैविक की आज। अभी हम आ गए हैं बारापुला रोड पे और जा रहे हैं घर की तरफ वापस, और गर्मी बहुत है भाई, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है थोड़ी बहुत, तो आज ना हाइड्रेशन बैग लाया नहीं मैं क्योंकि छोटी सी राइड थी, सोचा था जल्दी आ जाएंगे, और इतना कुछ कैरी करने का मन नहीं था गर्मी की वजह से, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान कैरी करते हैं उतनी ज़्यादा गर्मी भी लगती है, क्योंकि पीछे फिर एयर वगैरह पास नहीं होती प्रॉपर बैग की वजह से। तो अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, अगर व्लॉग को यहाँ तक देखा और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नए और इंटरेस्टिंग व्लॉग लाने के लिए आप लोगों के लिए। और इसी के साथ करते हैं आज की व्लॉग की एंडिंग, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, बी सेफ़।